सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज हम कर रहे हैं नेटवर्किंग का पार्ट 6, लास्ट पार्ट है नेटवर्किंग का, जिस बारे में मैं आज बताऊंगा आपको नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती है, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस है जो हम नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली कि नेटवर्क डिवाइस वो क्या काम करती है और वो बेसिकली OSI की किस लेयर पर काम करती है। बेसिकली दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपने इससे पहले के मेरे 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 5 पार्ट जरूर देख लें ताकि आपको नेटवर्किंग के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग का पार्ट 6, नेटवर्क डिवाइसेज। अब नेटवर्क डिवाइसेज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी जरूरत तो ये होगी कि नेटवर्क डिवाइसेज की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि आप किसी नेटवर्क को आपस में जब कनेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको केबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन केबल के साथ साथ आपका जो वो नेटवर्क बन जाता है तो उस नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल ये अपना नेटवर्क है 1, अब इस ए नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपको बीच में क्या चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए। वो जो कनेक्टर है वो क्या करेगा, दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेगा। तो बेसिकली इस प्रकार के कनेक्टर होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे स्विच क्या होता है, हब क्या होता है। और कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर, जैसे ए नेटवर्क है तो ए नेटवर्क के अंदर ही काम करते हैं, कुछ होते हैं जो कि ए और बी अगर दो नेटवर्क हैं इन दोनों के बीच में काम करते हैं। इस प्रकार से जो ये कनेक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये जो बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ हार्डवेयर्स होते हैं। तो क्या होते हैं सारे, इनको हम देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन इनका मेन जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका मेन काम पहला है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। यहाँ से फॉर एग्जांपल ए नेटवर्क है, यहाँ से जो कोई सिग्नल जा रहा है और बी तक पहुँच रहा है और बीच में फॉर एग्जांपल कई किलोमीटर की दूरी है, तो बीच में जो एक कनेक्टर लगाया जाता है वो क्या करेगा, इन जो सिग्नल्स को यहाँ तक क्या करेगा, वापस भेजने से पहले इनको वापस से बूस्ट करेगा, बूस्ट कर इनको वापस से क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिकली किसी भी कनेक्टर का काम होता है। अब मैं जो कनेक्टर बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पर वर्ड, कनेक्टर एक जो टेक्निकल वर्ड है वो तो अलग है, लेकिन मैं एक्चुअल में टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल वर्ड तो इसका क्या है, कंसंट्रेटर। तो बेसिकली कंसंट्रेटर क्या होता है, कंसंट्रेटर इज अ डिवाइस हैविंग टू और मोर पोर्ट्स टू विच द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड। लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है कनेक्टर के रूप में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको कनेक्टर बोल रहा हूँ। वैसे कनेक्टर तो वैसे वो होता है, जैसे आपका ना RJ45 जो केबल होती है उसके आगे जो कनेक्टर लगता है वो होता है, तो वो एक अलग टेक्निकल चीज़ है। लेकिन समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब किसी दो नेटवर्क या एक ही नेटवर्क के अंदर उनकी डिवाइसों को जोड़ने के लिए जो काम आते हैं डिवाइसेज, वो सब क्या कहलाते हैं, कनेक्टर। उसका जो एकदम रियल में नाम है उसका क्या है, कंसंट्रेटर। अब इनका काम बताया मैंने आपको, पहला काम क्या था कि डेटा को, जो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाइज करते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ जाए। दूसरा, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन नेटवर्क, डिवाइसेज और जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं। अब ये कंसंट्रेटर होते कौन कौन से हैं, उनके नाम जैसे सुनोगे आपको याद आ जाएगा, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, ये सब किसके एग्जांपल है, इन्हीं कंसंट्रेटर के एग्जांपल है। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या होती है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि हब और स्विच में समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रिज में और गेटवे में क्या डिफरेंस है, ये समझ नहीं आता। तो मैं आज कोशिश करता हूँ आपको धीमे इनमें जो बेसिक फंडे हैं वो आपके सामने क्लियर कर दूँ। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कमेंट बॉक्स में, सर क्या आपने पढ़ाया है, क्या वो इतना इनफ है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैंने जो पढ़ाया कल उससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे। मैं आपको एक पटरी दे देता हूं जिस पे चलने के लिए आपको मैं तैयार कर देता हूं। अगर मैंने आज आपको यहां बता दिया कि रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे क्या होते हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में और नॉलेज हो। इसके लिए पहले आपके बेसिक फंडे क्लियर होना जरूरी है, तो मैं आपको बेसिक फंडे क्लियर करवा देता हूँ, जितना हो सके उतना मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके बावजूद भी मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप इसके अलावा भी कुछ और पढ़िए, रिपीटर, हब्स, इनके बारे में अगर और भी कोई डिटेल मिल जाए तो आप उसके बारे में जरूर पढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो डिवाइस है हमारा नेटवर्क डिवाइस है वो है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये देखो बेसिक लगा कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये CPU है, CPU के पीछे देखो ऐसा एक जाली लगी होती है, जाली के अंदर यहाँ पर पीछे एक ऐसा लगा होता है पोर्ट, जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, कोई वायर लगाते हैं,
तो ये वायर जो लगता है यहाँ पर, ये पोर्ट क्या कहलाता है, NIC। और ये वायर कौन सा होता है, ये वो एथरनेट का वायर होता है जो मैंने बताया था आपको कैटेगरी 5 वाला, वो एथरनेट का वायर यहाँ पर लगता है। तो ये जो पोर्ट लगता है ये किसके अंदर होता है, आपके CPU के अंदर इनबिल्ट होता है, लगाया जाता है। इस पोर्ट को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उस कार्ड के अंदर बेसिकली छोटा सा पोर्ट होता है, उसके अंदर ये केबल लगती है। तो ये क्या काम आती है, बेसिकली लैन को कनेक्ट करने का काम आती है, ये एक प्रकार का कनेक्टर होता है। और ये काम क्या करता है, क्वेश्चन मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डिवाइस क्या काम करती है, दूसरा वो OSI की किस लेयर पे बेसिकली काम करता है। तो इसके अंदर देखो ये कहाँ काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है। डेटा लिंक लेयर कौन सी होती, प्लीज डू नॉट थ्रो सोर्स पिज्जा अवे, जब नीचे से बोलते हैं तो सेकंड में कहते हैं प्लीज डू नॉट यानी डेटा लिंक लेयर। तो सेकंड डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। और क्या काम करता है, कन्वर्ट्स द डेटा पैकेट्स इनटू डेटा फ्रेम्स। ये भी मैंने आपको बताया था, OSI लेयर अगर आपको याद हो 7 लेयर होती है, सबसे नीचे क्या काम करती है, बिट, याद है, उसके बाद में क्या होती है, फ्रेम्स, ठीक है। फ्रेम्स के क्या बनते हैं, पैकेट्स के क्या बनते हैं, सेगमेंट्स, ऐसे याद है। अगर आपने पिछला OSI मॉडल नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए। तो सेकंड में ये काम पर कौन सी लेयर होती है, ये डेटा लिंक लेयर। तो ये इस पर क्या काम होता है, फ्रेम्स का। तो ये देखिए ये भी ये काम करता है, NIC कन्वर्ट्स द डेटा पैकेट्स इनटू फ्रेम्स, क्योंकि डेटा पैकेट जो ऊपर से आते हैं उनको किसमें चेंज करती है, फ्रेम्स में। तो ये उसका बेसिकली काम होता है। उसके अलावा फिजिकल लेयर पे भी काम करती है, क्योंकि फिजिकल लेयर सबसे नीचे लेयर होती है, वहाँ पर भी काम करती है। वहाँ पे क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट अक्रॉस द कम्युनिकेशन मीडियम 01 फॉर्मेट में, आगे मीडियम जो भी अपने वायर लगा हुआ बीच में उसके अंदर क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो बेसिकली ये कहाँ काम करती है, दो जगह काम करती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर ये फिजिकल लिंक लेयर पे काम करता है या फिर डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो या तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह काम करता है। कई प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो OSI में अलग अलग लेयर पे काम करते हैं, एक से ज्यादा लेयर पे काम करते हैं। वैसे ही कई डिवाइसेज भी ऐसी हैं जो एक से ज्यादा लेयर पर काम करती है, उनमें से NIC भी क्या है, एक है। सेकंड जो अपना आज है वो है रिपीटर। रिपीटर से आपको वैसे भी नाम से पता लग गया होगा, रिपीट करने वाला। तो देखो सिंपल सा फंडा है इसका, रिपीटर जैसे ये हमारा एक लैन का एक टुकड़ा है जिसे बोलते हैं सेगमेंट। तो किसी भी लैन, फॉर एग्जांपल ये एक लैन है, ये लैन ए है, इसमें अब इसका एक टुकड़ा ले लिया तो ये हो गया उसका सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, और ये लास्ट में ये एक सेगमेंट। इन सेगमेंट से मिलके फॉर एग्जांपल ये लैन बना हुआ है। तो इन सेगमेंट में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इन सेगमेंट में 5 कंप्यूटर यहाँ आ गए, 4 कंप्यूटर यहाँ आ गए, तो ये क्या है, इनके सेगमेंट है। अब इनको भी आपस में क्या कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कई बार इनके बीच में जो दूरी बढ़ती है तब क्या होता है कि जो इनके सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब वो चाहे ये है, अब लैन है, लैन को जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 किलोमीटर का है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ 10 किलोमीटर तक करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने के लिए मुझे उनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, ये रिपीटर। ये रिपीटर जस्ट एम्पलीफायर की तरह होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, जो भी आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो देख लीजिए रिपीटर्स क्या करता है, रिपीटर्स आर यूज टू एक्सटेंड लैन, इट हैज ओनली 2 पोर्ट्स एंड कैन कनेक्ट ओनली 2 सेगमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। मल्टीपल रिपीटर्स कैन बी यूज टू कनेक्ट मोर सेगमेंट्स, अगर ज्यादा सेगमेंट्स आपको कनेक्ट करने हैं तो एक से ज्यादा आपको क्या लगाने पड़ेंगे, रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे। रिपीटर्स क्या करता है, रिपीटर्स एम्पलीफाई द सिग्नल सो दैट द सिग्नल इज एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल सिग्नल। सिग्नल जो भी आएगा पीछे से, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट से जो सिग्नल आ रहा है वो रिपीटर के अंदर जा रहा है, यहाँ से वो बूस्ट अप हो रहा है और वापस अगले सेगमेंट के अंदर जा रहा है। बस ये काम इसका क्या होता है, बूस्ट करने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये काम कहाँ करता है, ये काम करता है फिजिकल लेयर पे। देखो दोस्तों सिंपल सा कुछ आइडिया भी लगाओ आप कि जब ये 01 सिग्नल किसमें होंगे, 01 फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल सिग्नल चल रहे हैं, तो 01 फॉर्मेट ऑफ सिग्नल कहाँ होते हैं, फिजिकल लेयर पे होते हैं। इसीलिए काम भी कहाँ करेगा, ये फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा। फिर है दोस्तों ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है, ब्रिज आपको वैसे पता है, ब्रिज जैसे दो जगहों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वैसे ही किसी लेगमन किसी भी लैन है उनके सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करता है। ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट 2 लैन सेगमेंट्स लाइक ए रिपीटर, रिपीटर की तरह यूज करता है। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, फर्क क्या है दोनों में, फर्क यह है कि इट फॉरवर्ड्स कंप्लीट एंड करेक्ट फ्रेम्स टू द अदर सेगमेंट, इट डज नॉट फॉरवर्ड एनी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस सिग्नल्स टू अदर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक टुकड़ा है नेटवर्क का, ये एक टुकड़ा है, बीच में लगा दिया आपने ब्रिज, बी फॉर ब्रिज। अब यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स आने, क्योंकि सारी चीज़ें किस में आ रही है, पैकेट्स फ्रेम इसी में चल रही है, जो भी डेटा फ्रेम इसमें आ रहा है उसको है जैसे जैसे कहाँ कॉपी कर देता है, दूसरे सेगमेंट के अंदर ही कॉपी कर देता है। लेकिन इसका भी क्या है, एक तरीका है,
ब्रिज फॉरवर्ड्स ए कॉपी ऑफ द फ्रेम टू द अदर सेगमेंट ओनली इफ नेसेसरी। अगर वहां पे किसी कंप्यूटर को वो भेजना है तभी ये क्या करेगा, उस सेगमेंट में कॉपी करेगा, अदरवाइज उस फ्रेम्स को उस सेगमेंट में कॉपी नहीं करेगा। केवल एक बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करेगा, जिसमें जोड़े रखेगा, लेकिन डेटा कॉपी नहीं करेगा। ये देखो लिखा भी हुआ है, इफ ए फ्रेम इज मिंट फॉर ए कंप्यूटर ऑन द सेम सेगमेंट देन ब्रिज डज नॉट फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द फ्रेम फॉर द अदर सेगमेंट। मतलब यहां पर ही अगर उस डेटा की जरूरत है तो उसको यहां पर वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये इसका ब्रिज का स्पेशल काम है, ये कनेक्ट तो करेगा लेकिन जरूरत होगी तो ही डेटा वहां पर सेंड करेगा, अदरवाइज सेंड नहीं करेगा। ब्रिज कनेक्ट्स नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एट डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब काम कहाँ करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, लेकिन साथ में प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग यूज होने चाहिए। मतलब आप एक सिस्टम है वहाँ पे OSI लेयर पे साथ साथ लेयर लगी है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, इस सिस्टम की भी डेटा लिंक लेयर है, इस सिस्टम की डेटा लिंक लेयर पे, लेकिन दोनों के जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो अलग अलग यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर काम क्या करेगा, ब्रिज काम करेगा बेसिकली उस डेटा लिंक लेयर को आपस में जोड़ने के लिए। तो ब्रिज कन्वर्ट डेटा फ्रेम फॉर्मेट बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, क्योंकि दोनों के जो सिस्टम है दोनों के अलग अलग है। अब यहाँ से कोई डेटा अगर इसमें जा रहा है तो पहले ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज को इस सिस्टम में जो रिसीवर होता है उसके समझने लायक उसके अकॉर्डिंग उस फ्रेम्स को क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये काम होता है बेसिकली ब्रिज का। तो ब्रिज बेसिकली क्या है, किसी भी एक लेन है उसके सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद जो डिवाइस है वो है हब। हब बेसिकली आपको सबको पता भी होगा, अक्सर आपने यूज भी किया होगा, इस प्रकार से होता है, इसमें ऐसे पोर्ट होते हैं, इन पोर्ट के अंदर आप वायर लगाए किसी भी डिवाइस को अटैच करते हैं। तो देखो हब और स्विच को हम साथ साथ में करते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि हब कहलाता है नॉन इंटेलिजेंट, एनआई लिख रहा हूँ मतलब नॉन इंटेलिजेंट, और स्विच कहलाता है इंटेलिजेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी है और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी है। अब दोनों में फर्क बता दूँ कि इसको नॉन इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं। आपने देखो फॉर एग्जांपल नीचे देखो एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, एक जो हब है तो हब के अंदर देखो यहाँ पर क्या, तीन पीसी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और फिर वो पीसी कहाँ कनेक्टेड है, सर्वर पर, फिर एक सर्वर और कनेक्टेड है वहाँ से, फिर एक हब कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पीसी नंबर वन है ए, और ये है बी, ये है सी, अगर ए को सी को कोई डेटा भेजना है तो जब वो हब के अंदर जाता है तो हब क्या करता है, उस डेटा को पूरे हब के अंदर जितने भी डिवाइसेज है सबके अंदर भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल वापस इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ, देखो देखना मेरे एरो को कि ये एक डिवाइस है मतलब एक कंप्यूटर है, अगर मुझे इसको बी सी डी और ये जी चार चीज़ें हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ए से मुझे कुछ डेटा है वो कहाँ भेजना है, डी पे, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ डी तक पहुँचना चाहिए, या फिर मैं क्या करूँ सबके पास भेज दूँ बी सी डी ई, तो उसका कोई तुक नहीं हुआ। ये हब क्या करता है, वही काम करता है। इसके पास में जब भी आप चीज़ें आप इसमें कोई डिवाइस एंटर कर दोगे, डिवाइस किसी अटैच कर दोगे, तब इसमें डिवाइस के अंदर अगर कोई संदेश भेजना होगा आपको तो वो उस डिवाइस में जितने भी कनेक्टेड होंगे आपस में उन सब के अंदर संदेश को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, एक तो आपकी जो उसकी जो ट्रैफिक है नेटवर्क ट्रैफिक वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इट इज़ लाइक ए रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स बट हब डज नॉट एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल, लेकिन ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। काम कहाँ करता है, फिजिकल लेयर किसकी, OSI की फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब सर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द सेम नेटवर्क, एक नेटवर्क के मल्टीपल सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हब इंक्रीज द नेटवर्क ट्रैफिक बिकॉज दे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब सब में एक साथ ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो वो ब्रॉडकास्ट क्या करता है, डेटा टू ऑल द डिवाइस कनेक्टेड ऑल द पोर्ट्स ऑफ द हब, उस मतलब उस हब के अंदर जितने से पांच पोर्ट है और पांच पीसी हैं, तो पांच के अंदर पांचों को डेटा क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन इससे उल्टा जो कौन है, स्विच, स्विच क्या करेगा, वही कंडीशन लेते हैं वापस, ए बी सी डी और ई, फॉर एग्जाम्पल चार है और मुझे अब ए को क्या भेजना है, डी को भेजना है, तो स्विच सिर्फ क्या भेजेगा, डी को भेजेगा, बी सी और ई को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये काम किसका होता है, स्विच का होता है। तो इसलिए स्विच क्या हुई, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होगी। और दूसरा इसका करने से क्या होगा, फालतू में नेटवर्क ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फालतू में जब बी को चीज़ चाहिए नहीं है उसको भेजने से क्या फ़ायदा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो सामने जिसको भेजना होता है, जो रिसीवर होता है, उसके पास ही डेटा को पहुंचाता है। ये काम होता है स्विच का। तो बेसिकली स्विच
कुछ क्या हुआ, ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ। क्वेश्चन बनता है कि दोनों में से कौन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो इंटेलिजेंट डिवाइस क्या हो गया, स्विच, और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होगी, हब। दोनों क्या करते हैं, डेटा को बाकी दूसरी जो कनेक्टेड डिवाइस है उसके अंदर सेंड करने का काम करते हैं। लेकिन हब क्या करेगा, डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, जिसके पास भेजना है उसके पास ही भेजेगा। बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना, मेन मोटो मैंने आपका जो भी इसका जो लॉजिक है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर बाकी चीजें और है, जैसे इस जो मैंने बताया वही चीजें देखो, ये डेटा फ्रेम कंटेंस द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मतलब उसका यूनिक फिजिकल एड्रेस, वो फिजिकल एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर का कभी भी नहीं होगा। तो जैसे अपना आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या कहलाता है कि नेटवर्क में अपना कौन सा कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है, अपना आईपी एड्रेस। लेकिन उस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस मतलब उसकी फिजिकल कहां पे, उस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या है, वो क्या कहलाता है, मैक एड्रेस। बड़ी संख्याओं में होता है, 12-15 संख्याओं में उसका मैक एड्रेस होता है। वो उसके लिए बता रहा हूं आगे उसमें क्या काम करता है कि डेटा फ्रेम कंटेन्स द मैक एड्रेस। तो जो फ्रेम जो बनता है, जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रेम में। उस फ्रेम के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। किस पीसी का होगा, जहां पर उस फ्रेम को भेजना है। तो स्विच क्या करता है, उस मैक एड्रेस को कॉपी करता है और चेक करता है कि उस मैक एड्रेस कहां पे मैच कर रहा है। जहां पे वो मैक एड्रेस मैच करेगा उस फ्रेम को वहीं पर डिलीवर करेगा, पूरे नेटवर्क के अंदर डिलीवर नहीं करेगा। ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात आती है राउटर की। दोस्तों राउटर क्या करता है, हेटरोजेनियस नेटवर्क, अलग अलग प्रकार के, हेटरोजेनियस होता है, एक होता है होम्योजेनियस, मतलब जो एक ही प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए राउटर काम आता है। इसका खुद का प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। तो बेसिकली काम क्या करता है, तो ये काम ये करता है कि राउटर कनेक्ट्स नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मीडिया एंड फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम फॉर फ्रेम फॉर्मेट्स। मतलब सब प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट अगर नेटवर्क की सब प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसे एक स्टार यूज कर रहा है, दूसरा आप यूज कर रहे हो रिंग यूज कर रहा है, एक कोएक्सियल वायर यूज कर रहा है, दूसरा फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहा है, इन सबको जोड़ने के लिए आपस में बीच में क्या चाहिएगा, आपका राउटर चाहिएगा। तो ए राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट द नेटवर्क इन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के अंदर बेसिकली राउटर का यूज होता है। देखो नीचे एग्जांपल भी है कि इंटरनेट है, ये आपका मॉडेम है, मॉडेम से क्या जोड़ दिया, राउटर, उसके साथ आपने पीसी जोड़ दिया, तो आपके इंटरनेट सबके पास में पहुंच रहा है। तो राउटर काम करता है, राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल उस पर काम करता है। अब इसका बेसिक काम क्या है, जोड़ दिया करना काम तो सबका है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है, खास इसका है इसका नाम R-O-U-T, रूट। राउटर में जो मेन वर्ड है रूट, रूट तय करना। रूट क्या होता है कि अभी यहां तो किस रूट से जाएगा, वो रूट जाना, वो रूट छोटा पड़ेगा। रूट का मतलब पाथ, रास्ता। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक नोड है ए नेटवर्क के अंदर, और यहां पर नोड है लास्ट में ई। अब इसके बीच में आ गया बी, ये सी, ये आ गया डी, और एक और आ जाए फॉर एग्जांपल एफ ले लेते हैं। यहां पर मैं आपको बाद में बनाना चाहता, चलो पहले बना दिया, कोई बात नहीं है। अब यहां पर ये हो गया, अब ये भी क्या है, सारी नोड है, ये आपके नोड हैं सारी। अब मुझे अगर ए से लेकर ई तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो राउटर क्या करता है, ऐसे चेक करता है, पाथ बनाता है कि पहले कहाँ जाएगा, ए से बी, बी से अगर उसको सी खाली मिल गया तो सी पे चला जाएगा, अदरवाइज कहाँ आ जाएगा, डी पे, डी से अगर उसको एफ खाली मिल गया तो एफ पे चला जाएगा, अदरवाइज वापस कहाँ जाएगा, सी पर, एफ से वो कहाँ चला जाएगा, ई पर। तो वो क्या कर दिया उसने, इस प्रकार से एक रूट तय कर लिया। तो राउटर क्या करता है, नेटवर्क पर डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा उसका पूरा रूट कौन तय करता है, राउटर तय करता है। ओके और ये कहां काम करेगा, ये नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, ओएसआई लेयर की नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, इसको याद करना, ठीक है। फिर आता है गेटवे। अब दोस्तों बात सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बताया मैंने आपको, राउटर तो काम करता है बेसिकली रूट तय करने का, लेकिन गेटवे का जो मेन काम होता है वो काम क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये एक नंबर वन ए है और ये नंबर बी है, दोनों प्रकार के जो नेटवर्क है इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर, मतलब पूरा एक अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इसके अंदर, पूरा एक अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, सातों लेयर पर अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं इसमें, सातों लेयर पर अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, तो टोटली डिफरेंट है। इनके बीच में क्या लगेगा, गेटवे। गेटवे क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। एक गेटवे एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये काम कहां करता है, गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। वो क्या करेगा, कन्वर्ट्स प्रोटोकॉल्स अमॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मतलब दोनों प्रोटोकॉल्स दोनों नेटवर्क्स में अलग अलग है तो उनको क्या करेगा, आपस में इस प्रकार से करेगा कि दोनों प्रोटोकॉल एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। इट कैन एक्सेप्ट ए पैकेट फॉर्मेटेड फॉर वन प्रोटोकॉल, फॉर एग्जाम्पल ए बी को कुछ पैकेट्स भेजना चाहता है, यहां से क्या करेगा, रिसीव करेगा,
टू ए पैकेट फॉर्मेटेड फॉर अनदर प्रोटोकॉल, और उसको जो सामने यानी बी में पहुंच रहा है उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और उसके बाद में बी के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये बेसिकली काम किसका होता है, गेटवे का। अब गेटवे क्या हो सकता है, ए गेटवे कैन बी इंप्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कोई एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, यानी ऐसा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है जिस पर काम करता हो, या फिर एक हार्ड पूरा मतलब एक हार्डवेयर हो सकता है जिसके अंदर यह सॉफ्टवेयर लगा हो, तो दोनों रूप से हो सकता है। तो बेसिकली गेटवे काम क्या करेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जनरली गेटवे इज इम्प्लीमेंटेड बाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विद द आउटर राउटर। तो राउटर के अंदर ही इस गेटवे प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर पहले से ही राउटर के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। तो कई जगह इसको अलग भी यूज करते हैं, कई जगह इसको राउटर के अंदर भी यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या काम करेगा, इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, मैंने गेटवे है, कन्वर्ट करता है किसको, वन प्रोटोकॉल टू अनदर। फॉर एग्जांपल एसएनए प्रोटोकॉल है, उसको किसमें चेंज कर रहा है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में यूज कर रहा है। तो ये बेसिकली सारे आपके सामने हैं डिवाइसेस। वापस से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, एनआईसी आपको बता दिया मैंने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, उसके बाद में रिपीटर सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए, ब्रिज क्या करेगा, दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं वो किसके होंगे, दो अलग अलग लेंथ सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा ब्रिज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था हब के बारे में जो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, फिर बताया स्विच जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस है, और सबसे लास्ट में बताया मैंने आपको राउटर और गेटवे के बारे में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता, बेसिक इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अब आपको बेसिक पता चल चुका है तो आप इसके बारे में जहां पे भी मिलती है वहां पे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और पढ़िए, तब आपके सामने कंसेप्ट और क्लियर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर राउटर है, राउटिंग की भी क्या होती है, दो टेक्निक होती है, तो उस वो टेक्निक को पढ़िए, वो टेक्निक कैसे होती है, तो आपको बुक्स में मिल जाएगी, आपको और भी किताब मिल जाएगी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। तो मेरे लिए ये किसी भी एक वीडियो को बनाना मतलब एक घंटे से कम नहीं हो पाएगा, तो एक टॉपिक एक घंटे में क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा वीडियो ना तो कोई देखेगा, ना वो वीडियो मेरा क्या आपके सामने आपको कितना अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। फिर भी आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसके नेटवर्किंग के नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप वहाँ से चाहो जितना इसको पढ़ लेना, मैं हिंदी में इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अपने कल या परसों में आपके सामने, फिर एक दो तीन वीडियो के साथ मिलूंगा जो हम चालू करेंगे नए टॉपिक पर। और तब तक के लिए अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।